आप तो ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता के जैसे बोल रहे हैं, लेकिन आप तथ्यों की जानकारी ले लें, राहुल गांधी जी ने कभी कोई माफी नहीं मांगी। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। जिस तरह से पेगासस का मामला गरमाया था, आज फिर पटना के सड़कों पे कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता नेता यहां पे क्या कुछ कर रहे हैं। उन्होंने अभी अभी आप विजुअल के माध्यम से देखिए किस तरह से उन्होंने मोदी जी का पुतला जलाया। आइए उनके नेताओं से बात करते हैं। मैडम ये बताइए, आप भी यहाँ पे आई हुई है, क्या हुआ जो पेगासस अभी एकाएक निकल आया है? आप लोग देखिए, ये सरकार जो है या तो खरीदना जानती है, या तो दबाना जानती है, या तो फिर चोरी करना चाहती है। सैनिक को ये दबाना जानती है, पुलिस को दबाना जानती है, और मीडिया को खरीदना जानती है। अब विपक्ष इससे जब नहीं खरीदा पा रहा है, तो पेगासस का ये जो मुद्दा है, वो जो इजराइल की कंपनी ने बनाया था हमारे सैनिकों के लिए, ताकि वो देशद्रोही हो या फिर सीमा पर इसका यूज किया जाए, अब ये क्या कर विपक्ष के ये मोबाइल में डाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये उनकी कायरता को दर्शाता है कि देश उनको मजबूत हाथों में समझ रहा था। किसने बोला है कि पेगासस ने जासूसी अपने नेताओं की करवा रहे हैं मोदी जी? कौन बोला? इसका सबूत क्या आप लोगों के पास? बिना सबूत के आधार पे बोल रहे हैं। शंका के आधार पे कोई कैसे बोल सकता है? बिना सबूत क्या है? तो सबूत बताइएगा। सबूत अगर होगा भी तो वो सामने ही आएगा, अगर है या नहीं है वो सामने आएगा। और हम लोग बिना मतलब के तो खड़े है नहीं है पड़ी। आप सबूत मांग रहे हैं, सबूत वो सबूत किस बात का देते हैं बताइए? आज तक किसी बात का इतना घोटाला कर रहे हैं। कितने बार कोर्ट में माफी मांग चुके आपको पता है किस तरह से ये मुद्दा उठा था कोर्ट में? राहुल जी ने माफी मांगा था। ये उनकी मतलब इंसानियत है कि वो माफी मांग भी सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जितनी गलती की क्या उन्होंने माफी मांगा है? आज तक कोरोना एक दिन में खत्म होने वाला था, खत्म हो गया, 3 साल तक झुलझुला रहा है। देश कहाँ जा रहा है? जीडीपी कहाँ जा रहा है? महंगाई कहाँ जा रहा है? हमारा जनता टैक्स भरता है देश की भलाई के लिए, देश के कामों के लिए, वो लोग क्या कर रहे हैं? राफेल के मुद्दे पर कितनी बार राहुल गांधी जी ने माफी भी मांगा है, कोर्ट में भी माफी मांगा है, तो आप लोग पेगासस के मामले में कुछ दिन पहले ये मामला उठा था, फिर वह बंद हो गया, फिर एकाएक क्या कुछ हुआ? फिर उठा है, पेगासस के लिए आज आ गए, यहाँ पे मोदी जी का पुतला जलाया है। तो कहीं ना कहीं सच्चाई है, तभी तो जला है इसका पुतला। तो चलिए फिलहाल देखिए किस तरह से उनको पता नहीं है कि पेगासस में क्या कुछ हो रहा है, या सिर्फ शंका के आधार पर यहाँ पे आए हैं पुतला जलाने के लिए। देखिए मोदी जी का पुतला क्यों जलाना है मोदी जी का? जासूसी पे, जिंदाबाद। लेकिन बोलना चाह रहे हैं कि हम जासूसी के कारण मुर्दाबाद का नारा, निजता पे हमला किया जा रहा है, ये कहीं से जांच नहीं ठहराया जा सकता है। किस तरह एक रिपोर्ट बताती है कि 2017 में जनता के टैक्स से पैसा खर्चा जा रहा है, ये कहीं से जांच नहीं ठहराया जा सकता कि किसी व्यक्ति ने निजता पे हमला हो। इसके खिलाफ में आज देश की केंद्र सरकार के खिलाफ पुतला जलाया जा रहा है। मोदी सरकार जो काम नहीं करती है, केवल विपक्ष को घेरने का काम करती है, वो भी जासूसी कर। ये प्रधानमंत्री है या जासूस है, ये जग्गा जासूस जो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की गतिविधियों को नजर रखते हैं। जनता की जासूसी करे, वो जनता कितना परेशान है। आज उन्हीं के विरोध में हम लोग पेगासस के कारण जो हम लोग विरोध मार्च में आज निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है वह भी हम उनसे पूछते हैं। सर ये बताइए, ये पेगासस सर फिर कहाँ से आ गया? बीच में तो ये बंद हो गया था। हम पिक्चर लीजिए, पिक्चर देखिए। ये जो पेगासस का जो मामला है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। देश की जनता और जो आम जो युवा हैं, वो चाहते हैं कि महंगाई कम हो और उन्हें रोजगार मिले, लेकिन सरकार में बने रहने के लिए, मैं पेगासस के बारे में ही बात कर रहा हूँ, लेकिन सरकार में बने रहने के लिए जो एक केंद्र में बैठी सरकार है, ये लोगों की जासूसी करा रही है, विपक्ष के नेताओं की जासूसी करा रही है, पत्रकारों की। आप लोगों के पास सबूत है? न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट के अनुसार सीधे तौर पर 15,000 करोड़ की इसराइल से डील हुई, और इस डील में तो सर विदेशों के लिए लाया गया है पैसा, उसकी विदेश से जो जासूसी होता है उसके बारे में, देश के नेताओं के बारे में आप बोल रहे हैं कि जासूसी हो रहा है पेगासस के द्वारा? पेगासस सीधे तौर पर सरकार उपयोग कर रही है विपक्ष के नेताओं का, जो इसके पहले खुलासा हुआ था, सरकार ने तो एक सिरे से नकार दिया था। सरकार तो कह रही थी कि उन्होंने पेगासस की खरीद भी नहीं की, सीधे राहुल गांधी जी की जासूसी हो रही है, चिदंबरम जी की जासूसी हो रही है,
जितने बड़े नेता हैं सबकी जासूसी की जा रही है, और इसलिए आज हम लोग सड़कों पर हैं और सरकार में जो जिस तरह की जालसाजी की है सरकार में बने रहने के लिए, और जब तथ्य जब विपक्ष सवाल उठाता है पेगासस के मामले पे तो सरकार सीधे कह देती है कि इस तरह की किसी स्पाइवेयर की खरीद ही नहीं की गई। अब न्यूयॉर्क टाइम्स में तो सीधे सीधे ये सवाल आ गया है। सर राफेल पर भी राफेल मुद्दा पर भी राहुल गांधी बार बार सवाल उठा रहे थे, और राहुल गांधी जी ने कोर्ट में सर माफी भी मांगा था राफेल पर। फिर आप लोग आप जाकर के अपने तथ्यों की जानकारी आप ले लें। आप तो ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता के जैसे बोल रहे हैं, लेकिन आप तथ्यों की जानकारी ले लें। राहुल गांधी जी ने कभी कोई माफी नहीं मांगी, नहीं मांगा, कोई माफी नहीं ना मांगेंगे। आज भी कहते हैं राफेल सौदे में सीधे तौर पर स्कैम किया गया, घोटाला किया गया, और जो राफेल लड़ाकू विमान जो कम दामों पर मिलना था उसे जानबूझकर के सरकार ने महंगे दामों पर खरीदा। लगातार हम लोग इसको सवाल भी उठाते आ रहे हैं कि जो भी राफेल में जब उस समय डील हुआ था उसमें इतना इक्विपमेंट नहीं लाया गया था, अभी जो राफेल आया तो जब तरह से सर राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे या कांग्रेस के नेतागण क्या कह रहे थे कि एक जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा से क्यों पीछे भाग गई केंद्र की भाजपा सरकार? सरकार तो किसी भी मुद्दे पर चर्चा भी नहीं करनी चाहती है। इसका सीधा उदाहरण हम लोगों ने देखा कि जो काले कानून जो बिल लाए गए उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? सरकार को घुटने टेकने पड़े। तो चर्चा ही जब संसद में नहीं होगा तो संसद में क्या होगा? तो ये सरकार की पूरी मंशा रहती है कि बिना तथ्य के किसी तरह से केवल अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। हम लोगों ने बजट में भी देखा कल, आम जनता के लिए और युवाओं जो सबसे बड़ी समस्या है महंगाई और रोजगार, उस पर किसी तरह का कोई बजट में प्रावधान नहीं लाए गए। तो सीधे तौर पर ये जो सरकार है केवल और केवल चंद अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहती है, एकमात्र इसी उद्देश्य के साथ ये नीतियां का गठन कर रही है। इसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी या युवा कांग्रेस है आज पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। अपना परिचय दीजिए। गुंजन पटेल, अध्यक्ष बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस। तो आपने सुना गुंजन जी ने साफ तौर पर क्या कुछ कहा। इनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से पेगासस, इनका कहना साफ तौर है पेगासस के द्वारा राहुल गांधी जी की जासूसी करा रही है, पर इनको यह भी नहीं पता है कि पेगासस किस लिए लाया गया था। मगर यह अब क्या बोला जाए, जिस तरह से राहुल गांधी जी बार बार अपने बयान पर माफी मांगते हैं, इन्होंने साफ तौर पे बोला है आप बीजेपी के एजेंट हो, आप बीजेपी के प्रवक्ता हो। तो अगर कोई क्वेश्चन कांग्रेस से कहता है तो बाकी भी पार्टियों का कहना है कि पत्रकार बीजेपी का एजेंट है और उनका प्रवक्ता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।